वेलकम टू ईश्वरस किचन। आज हम देखेंगे सांभर की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1 कप तुअर दाल, उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे हम धो लेंगे। धोने के बाद पानी को हमें स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन होने के बाद इसमें हम वापस 3 बोल भरकर पानी डालेंगे। आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल। अब कुकर में हमें पानी डालना है और उसके ऊपर हमारा दाल का बर्तन रख देंगे। अब दाल को हमें 3 सीटियां होने तक पकाना है। अब ये दाल पक चुकी है, इसे हम बाहर निकालेंगे और फिर इसे हमें मैश करना है। कढ़ाई में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। उसमें 1/2 बड़ा चम्मच राई डाल देंगे, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 1/2 बड़ा चम्मच मेथी के दाने, 1/4 चम्मच हींग, 3 से 4 हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 10 से 12 ड्रमस्टिक्स और 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। फिर जाएगा 1/2 कप इमली का पल्प और वापस 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद इसमें हमें डालना है 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला, इसे भी मिक्स करना है। नमक स्वादानुसार, अब 1 कप पानी डालकर इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढककर इसीलिए पकाना है ताकि हमारे ड्रमस्टिक्स अच्छे से पक जाएं। अब 5 मिनट बाद ये पक चुके हैं। फिर इसमें डालेंगे पकाई हुई दाल। दाल को मिक्स करेंगे और इसे भी 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। अब ये दाल पक चुकी है, इसमें हम वापस 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच जैगरी डाल देंगे। जैगरी स्वीटनेस के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको मिक्स करेंगे। हमारा सांभर अब बनकर तैयार है।